प्रभु की आवाज हम तक, प्रिया सिस्टर्स के द्वारा हम तक पहुंचेंगे। आप दोनों मुझे सुन रहा है, सिस्टर बेट्सी, सिस्टर एंसी, या आप दोनों फ्लोरिडा और कनाडा में हैं, लेकिन हिंदी प्रायर लाइन आप लोगों को भी इस हम लोगों के साथ मुलाकात करवा रहा है, तो भी एक खुशी का बात है। चलिए सिस्टर बेट्सी, आपको गीत गाने के अवसर है, उसके बाद सिस्टर एंसी कनाडा से हमारे बीच में कलाम से प्रभु की प्रचार, प्रभु की मैसेज हम तक पहुंचाएंगे। प्रार्थना के साथ प्रभु के सन्निधान में बैठा रहिएगा। प्रभु जी, हम दोनों सिस्टर्स को, बेट्सी और एंसी को, आपके हाथ में समर्पित करता है। प्रार्थना करता है कि उनके मिनिस्ट्री के द्वारा आज इस प्रेयर लाइन में अनॉइंटिंग का फ्लो हो। हर लोग जो टूटे हुए मन से, जो आवश्यकताओं के सामने आपके सामने बैठे हैं, उन सबों तक आपकी आशीष और आपकी आवाज पहुंचे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। Praise the Lord. Hello. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आज प्रभु यीशु मसीह के नाम नाम से आप सबों को फ्लोरिडा और हमारे परिवार की ओर से प्रणाम करती हूँ। आज गीत गाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं गीत गाऊंगी, मेरा बेटा जानसन गिटार और छोटा बेटा तबला बजाएगा। तो हम परिवार समेत मिलकर हम लोग प्रभु गीत गाएंगे और आप भी हमारे साथ प्रभु की स्तुति कीजिए।
मसीह के लिए मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ, सब कुछ देता हूँ। जरूर अगर एक साल प्रभु हम लोग की जिंदगी में गिफ्ट देता तो ये गीत हमें याद रहे, सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करने की एक इच्छा हमारे अंदर, प्रभु की आत्मा दे इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। सिस्टर अपने बच्चों के साथ प्रभु की महिमा के लिए गीत गा रही थी, प्रभु ज्यादा से ज्यादा पूरे परिवार को आशीष प्रदान करे। उनके पिताजी वापस अंडमान जा चुका है वहां की मिनिस्ट्री में, प्रभु ज्यादा से ज्यादा आशीष भेजे, इसके लिए विशेष कर प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर आंसी आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं यहाँ पे हूँ। हेलो, प्रेज लॉर्ड। यूएसए के डिफरेंट स्टेट में आपकी प्रेजेंस हम लोग के लिए भी आशीष है। जरूर आपको आगे के 20 मिनट प्रभु की आवाज हम सबों तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ यूएसए से वेलकम करता हूँ। आपको आगे 20 मिनट प्रभु के कलाम से प्रचार कर। थैंक यू पास्टर जैन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई थैंक गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक और अवसर दिया है। साल के अंतिम महीने हम आ चुके हैं एंड वी हैव लिव्ड अ होल 11 मंथ्स एंड मोर 16 डेज टू गो टू वर्क टू अनदर ईयर। आई जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग ही हैज डन। 20 मिनट के टाइम में आई जस्ट वॉन्ट टू आई एम सो हैप्पी बिकॉज वट एवर पास्टर जेन वॉज टॉकिंग टुडे ऑनलाइन, गॉड वॉज टेलिंग द सेम थिंग टू मी थ्रू द वर्ड। प्लीज टर्न टू मी आज का संदेश के लिए नहेमिया चैप्टर 1:4-11 में लिखा है कि नहेमिया वॉज वीपिंग, वो रो कर फास्ट कर कर एंड प्रार्थना कर रहा था कि उनका देयर पीपल शुड बी सेव, देयर पीपल आर इन एगनी। वन थिंग ऑफ नहेमिया वॉज वो पीड़ित था बट वो चिंता नहीं कर रहा था, लाइक ही वॉज नॉट एंग्शियस। दो वचन मुझे सिस्टर दीना अगर आप वहां पे हो या जो भी अवेलेबल है, नहेमिया 2:5 एंड फिलिपियंस 4:6 कोई पढ़ सकते हैं तो। यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बसाऊं। फिलिपियों 4:6 किसी भी बात की चिंता मत करो परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। थैंक यू सिस्टर। नहेमिया वाज नॉट एंग्शियस अबाउट हिज पीपल बट ही वाज सैड एंड वरीड। हैज नाउ टुडे वी वर प्रेइंग फॉर इंडिया एंड वी वर पास्टर वाज सेइंग दैट इट्स द कंडीशन इन इंडिया इज टू बैड and we are worried, we are not anxious, we should not be anxious about anything, but with everything and with thanksgiving we have to pray to God as Nehemiah was weeping and fasting and prayer. But the problem is believers stop nowadays, the believers stop in weeping, fasting and prayer. What did Nehemiah do? And today's message mainly works, what I want to say is role of a believer. Role of a believer. नहेमिया ने ना केवल रोया, उपवास किया और प्रार्थना की, लेकिन उसने कार्य किया. First is A for action. He did something. He took a step. एक कदम और आगे. God has chosen us in this world to take a step. God uses us. So, जब हम प्रार्थना घुटनों में बैठ के प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमें उठाता है और कार्य करवाता है. तो वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. So the first role of a believer, एक विश्वासी का पहला कर्तव्य है action, first step that we have to take. हम लोग काम करते हैं, खुदा अपना favor फेवर जहाँ पे भी हम जाते हैं, पीपल हैव फेवर ऑन अस. सारा जो भी कठिनाई बीच में आती है वो
path becomes straight. So that's how God works. So God needs a medium, और वो medium हम है, और हम एक प्रार्थना केवल नहीं, वो जो चिंता है, जो विषय हमारे मन में चिंतित कराता है हमें, जब हम सोचते हैं उसके बारे में, वो चिंता खुदा देता है और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। सिर्फ प्रार्थना नहीं, जेम्स 2 वर्सेस 14 में जैसा लिखा है, फेथ विदाउट एक्शन इज नथिंग, फेथ विदाउट डीड्स इज नथिंग। सो हम लोग बीइंग अ बिलीवर, विश्वासी होकर हमें आगे बढ़ना है। सो ए फॉर एक्शन, सेकेंड लेवल इज बी, बी इज द ब्रोकन वॉल्स should be rebuilded। हमारा जीवन में बहुत सारे walls है जो which was built, okay? So वो half broken है, so it should be rebuilded, वापस बनाना है, like the walls of love between the believers, between each other। किसी को time नहीं है, किसी के पास दूसरों के लिए time नहीं है, but वो जो wall है वो हमें बनाना है, wall of faith, वॉल ऑफ प्रेयर, ये सब जो भी वॉल्स है बनाना है। नहेमिया चैप्टर 3 में लिखा है कि एक एक यहूदी लोग अपने परिवार समेत जो वॉल्स है वो लोग बना रहे थे। जब वो लोग वॉल्स बना रहे थे, अपने एक एक परिवार बना रहे थे, तो बाइबल में डायरेक्ट नहेमिया में लिखा है कौन कौन वॉल्स बनाते थे। तो परिवार में जो मुखिया है वो उनके बेटे, और एक परिवार में बेटे नहीं थे तो बेटियां थी, तो बेटियां भी काम करती थी। और एक चैप्टर में लिखा है कि जो गोल्डस्मिथ है, जो काम करते थे, वो लोग भी है। सो द वॉल्स शुड बी मेड वेयर फ्रॉम ऑल द बिलीवर्स शुड मेक वॉल्स, कोई एक्सेप्शन नहीं, नॉट ओनली पास्टर्स, नॉट ओनली मेन ऑफ द चर्च, नॉट ओनली people who sit on the stage, no, everyone in the church, जब वो wall बनता है हमारे सामने, जब हम वो wall, प्रार्थना का जो दीवार हम बनाते हैं, प्रेम का जो दीवार हम बनाते हैं सामने, वो जैसे जैसे बनता है वो हम rebuild करना है। जो इस this time, this era, जो believers के life में वो walls टूटे जा रहा है, it's breaking, they just go to church, we all go to church, but the walls are half broken, so we have to rebuild the wall. So each and every family in the church started with sabha mein wo log walls bana rahe the. So C, A ho gaya hai, first is action, B फॉर जो भी ब्रोकन वॉल्स है, हम जानते हैं हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में जो वॉल्स है, जो ब्रोकन है, उसको बनाना है। एंड सी क्या होता है, जब हम एक एक परिवार, एक एक वॉल जब बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, उसके बीच में एक गैप हो जाता है, गैप रहता है, वो गैप शुड बी कनेक्टेड, सी फॉर कनेक्टेड। सो वो गैप्स फिल होना है, क्योंकि जब गैप्स होता है तभी शैतान अंदर आने की कोशिश करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ बट मैं अपने विश्वासी से प्रेम नहीं करती हूँ, दैट गिव्स मी अ गैप। मैंने अपना वॉल तो बना दिया है बट वो गैप जो है, जो मैं विश्वासी से प्रेम नहीं कर रही हूँ, तो वो गैप के अंदर शैतान शैतान घुसता है। तो हमारे बच्चे ये देखते हैं, हमारे परिवार वाले ये देखते हैं, हमारे चर्च के लोग देखते हैं, और सबसे सबसे बड़ा परमेश्वर ये देखता है कि मेरी बेटी तो मेरे बेटा तो प्रार्थना करते हैं बट वो दूसरों एक दूसरे से प्रेम नहीं। तो वो गैप हमें कनेक्ट करना है, एक दूसरे बिलीवर शुड कम टुगेदर, फिल दोस गैप एंड लेट नॉट सैतान डिस्ट्रॉय द चर्च, लेट नॉट सैतान डिस्ट्रॉय द फैमिलीज। तो ए फॉर एक्शन, बी फॉर ब्रोकन वॉल्स को रिबिल्ड करना है, और सी जो गैप्स बिटवीन में आता है, एक एक परिवार जब बनाते हैं तो वो गैप्स को फिल करना है। तो लिखा है नहेमिया 4:7 वचन में, तोबिया और सनबलत दोनों बहुत गुस्से हो गए। क्यों गुस्से हो गए? क्योंकि जो यहूदी लोग थे अपना गैप्स को फिल कर रहे थे, एंड दे डोंट हैव स्पेस टू गेट इनसाइड द टेम्पल। तो चर्च के अंदर अगर संहिता नहीं घुसना है तो सारे विश्वासी एक साथ
एक यूनिटी के साथ वो स्थिर होना है, सब लोग एक प्यार के साथ प्रार्थना करना है। अगर हम ये ABC अगर हम फॉलो करते हैं तो उसका बेनिफिट तो कुछ ना कुछ होना है। ये सो दैट वॉल दैट इज क्रिएटेड व्हेन द गैप इज क्लोज, तब क्या होता क्या है, जब व्हाट हैपेंस, वी हैव अ यूनिटी इन अ चर्च, हमारे चर्च में एक यूनिटी होता है, बिलीवर्स के अंदर एक यूनिटी होता है, बिलीवर्स और पास्टर के समीप एक यूनिटी होता है, चर्च में फैमिली में बच्चों के साथ एक यूनिटी होता है, तब क्या होता है, तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो पुरा अपोस्टल के पुस्तक में लिखा है, सब एकत्रित होकर प्रार्थना किया, परिशुद्ध पवित्र आत्मा सबके ऊपर आया और कार्य करने लगा, वो पवित्र आत्मा ये एरा में, दिस जनरेशन, द वे गॉड हैज प्रॉमिस्ड, गॉड इज गोइंग टू यूज ईच एंड एवरी बिलीवर अकॉर्डिंग टू द वर्ड। कब करेंगे, जब ये वॉल्स कंस्ट्रक्ट होगा और जब ये कनेक्ट होगा, तब परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक एक बिलीवर, चर्च डिवाइड नहीं होंगे बट चर्च यूनाइट होंगे, एक कोई भी अलग नहीं होगा, सब एक होगा, और हम अपने आंखों से पवित्र आत्मा का काम इस दुनिया में देखेंगे। तो परमेश्वर, जब मैं ये प्रार्थना कर रही थी, खुदा मैं कैसे बनूं, हम कैसे करें, हमारा चर्च कैसे बढ़ेगा, देन गॉड वॉज टॉकिंग टू मी टू नहेमिया, हाउ ही टुक अ स्टेप, उसने कैसा अपना एक स्टेप लिया और उसके साथ परमेश्वर था, और जो काम हम बहुत साल से करने कोशिश कर रहे हैं वो काम 52 डेज के अंदर नहेमिया ने खत्म किया, वो वॉल्स बनाया और टोपिया और सनबलत जो भी द एनिमीज वेयर ट्राइंग टू गेट इनसाइड, कोई भी अंदर नहीं आ पाए, सिर्फ because of the unity and because of the hard work. So I just praise God and thank for this wonderful message which he talked to me. Hum mujhse to bahut baat kiya khuda ne ki jo bhi hum prarthna kar rahe hain, for example agar main job ke liye apply karna chahti hu, agar main job dhoondna chahti hu, agar main apply nahi karu, if I don't take an action I won't get that job, so do an action. Aur jo bhi spiritually whatever is broken should be rebuilt, और जो भी गैप्स है हमारे बीच में वो कनेक्टेड होना है, और पवित्र आत्मा का जो काम इस दुनिया में होने के बाकी है वो होगा, हमारे थ्रू होगा। ये प्रेयर लाइन के सारे सभी सभी लोग जब भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा उनके थ्रू कार्य करेगा, लोग हील होंगे, पीपल विल गेट हील्ड, कैंसर will be healed, every sickness will be healed, people will prophesy in the church, miracles will happen as it was happening in the Old Testament and in during the New Testament. Main Parmeshwar ki dhanyavad karti hu, Biji Ache ji ki dhanyavad karti hu, and Pastor Jain ki dhanyavad karti hu ki ye ek avsar mujhe diya hai, Parmeshwar ka dhanyavad ho. Thank you sister, bahut hi effective kalam हम सुन रहे थे, स्पेशली फेलोशिप के पोर्शन में इस चीज की स्टडी ज्यादा किया जाता है, जो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है फेलोशिप। आप थैंक यू पास्टर जैन एंड सिस्टर एंसी, सिस्टर बेट्सी, सिस्टर डीना, सिस्टर मोलमा, एवरीबॉडी, एंड गॉड ब्लेस अस ऑल। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, जैसे पास्टर ने प्रेयर किया, परमेश्वर का आगमन बहुत ही निकट है, परमेश्वर इस हफ्ते आएगा, ऐसा विश्वास करके आगे बढ़े, नहीं तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को। गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।